फिल्मी पर्दे के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त को एक बार फिर पुणे की यरवदा जेल से छुट्टी का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल मुन्ना भाई को प्रशासन से 30 दिन का पैरोल मिल गया है, लेकिन जिस आधार पर संजय दत्त को छुट्टी मिली है वो आधार ही सवालों के घेरे में है। मुन्ना भाई को उनकी पत्नी मान्यता की बीमारी के नाम पर छुट्टी मिली है, लेकिन मान्यता 2 दिन पहले मुंबई की एक फिल्मी पार्टी में नजर आई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजय दत्त ने छुट्टी के लिए झूठ का सहारा लिया। जेल से बाहर आने को आतुर संजू बाबा और पार्टी में शिरकत करती पत्नी मान्यता, वही मान्यता जिनकी बीमारी का हवाला देकर संजू बाबा ने जेल से छुट्टी की दरख्वास्त की थी। जेल से 30 दिनों की छुट्टी की संजय दत्त की गुजारिश को प्रशासन ने फौरन मंजूर कर दी, लेकिन महज 2 दिनों पहले एक पार्टी में शिरकत करने पहुंची मान्यता दत्त की इन तस्वीरों ने विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजय दत्त ने जेल से बाहर आने के लिए पत्नी मान्यता दत्त की बीमारी का बहाना बनाया, क्या जेल की सजा से छुटकारे के लिए संजय दत्त ने झूठ का सहारा लिया। आखिर 30 दिनों की छुट्टी की दरख्वास्त पर प्रशासन ने फौरन हामी क्यों भर दी। मुमकिन है कि आज ही बॉलीवुड के मुन्ना भाई 3 महीने के भीतर दूसरी बार पुणे की यरवदा जेल से पूरे 30 दिन की छुट्टी पर बाहर आ जाएंगे। दरअसल संजय दत्त ने पुणे के डिविजनल कमिश्नर से अपनी बीमार पत्नी मान्यता के इलाज के लिए पैरोल की गुहार लगाई थी, जिसे कमिश्नर ने कबूल कर लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मान्यता दत्त वाकई बीमार है। सवाल इसलिए क्योंकि महज 2 दिन पहले की ये तस्वीरें मान्यता के बीमार होने की तस्दीक कतई नहीं कर रही। तस्वीरें 5 दिसंबर की रात एक फिल्मी पार्टी की, जहां शिरकत करने पहुंची संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, वो मान्यता जिनकी बीमारी के नाम पर मुन्ना भाई पेरोल हासिल करने में कामयाब रहे हैं। बॉलीवुड की इस पार्टी में शिरकत करने पहुंची मान्यता की इन तस्वीरों को देखकर ये कतई नहीं कहा जा सकता कि वो बीमार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संजय दत्त ने पेरोल के लिए झूठ बोला, क्या जेल से बाहर आने के लिए संजय दत्त ने बहाना बनाया, क्या संजय दत्त कायदे कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सवाल उठने इसलिए भी लाजमी है क्योंकि संजय दत्त बीते अक्टूबर में फर्लो नियम के तहत छुट्टी पर जेल से बाहर की हवा खा चुके हैं। जेल प्रशासन की तरफ से संजय दत्त को 1 अक्टूबर से 15 दिनों की छुट्टी मिली थी, जिसे उनकी गुजारिश अगले 15 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई थी। तब उन्होंने अपने इलाज की खातिर छुट्टी बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे जेल प्रशासन मंजूर करने में जरा सी भी देरी नहीं की। अब मुन्ना भाई को पेरोल पर 30 दिन की रिहाई मिल गई, वो भी ऐसी गुजारिश पर जो सच की कसौटी पर खरी उतर नहीं दिखती। पेरोल की बिना की पत्नी मान्यता बीमार है, लेकिन मान्यता है कि फिल्मी पार्टी की शोभा बढ़ा रही है। संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा काट रहे हैं। उन्हें 1993 के बम धमाकों के दौरान गैर कानूनी तरीके से AK-56 राइफल और 9mm की पिस्तौल रखने के जुर्म सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ संजय दत्त की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट तक ठुकरा चुका है, लेकिन फिल्मी पर्दे के मुन्ना भाई संजय दत्त की सजा पूरी करने के बजाय जेल की चहारदीवारी से जब तक बाहर आने की कवायद में लगे हैं। मुंबई से निकिता और विनोद जगदाले के साथ रिपोर्ट, न्यूज 24।